अफगानिस्तान में इस्लाम आने से पहले यहाँ के लोग बौद्ध धर्म को मानते थे और यही बुद्धिस्ट लोग बाद में मुसलमान बने और घोर शहर में मुस्लिम हुकूमत कायम की। जब गजनवी सल्तनत खत्म होने की कगार पे थी तो घोर की हुकूमत ने भी अपने आप को एक आज़ाद रियासत होने का ऐलान कर दिया। इस वक्त घोर का बादशाह था बहाउद्दीन साम। बहाउद्दीन साम के दो बेटे थे, गयासुद्दीन और मोइजुद्दीन। मोइजुद्दीन जिसका असल नाम था सिहाबुद्दीन मोहम्मद, जिसे आज पूरी दुनिया मोहम्मद गौरी के नाम से याद करती है, यही वो जाबाज शख्स था जिसने इस्लामी हुकूमत को अफगानिस्तान के घोर से लेकर पाकिस्तान, ईरान, इराक और उत्तरी भारत तक फैला दिया था। इसी मोहम्मद गौरी ने भारत की सबसे ताकतवर और घमंडी राजपूती हुकूमत को उखाड़ फेंका था।